सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बोट 650 का बेस कैसा निकल के आता है। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक सिंपल सी ट्रिक यूज करके जो आप है इस स्पीकर के बेस को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हो। मैंने यहां पे नीचे एक जो कॉटन का छोटा सा टावल लगाया हुआ है, हैंकी लगाया हुआ है, उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जो इसकी स्टैंडर्ड पोजिशन है उसमें सॉन्ग प्ले करते हैं और बीच बीच में मैं इसकी जो पोजिशन है उसको रोटेट करूँगा ताकि आपको फील हो सके कि कितना बेस जो है वो इंक्रीज जो डिक्रीज हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्मल पोजीशन। तो आपने काफ़ी हद तक फील किया होगा कि बेस में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है जब आप इस स्पीकर को इस तरीके से रखते हो। तो वीडियो में हो सकता है कि आपको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा हो, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैंने ये वाला नीचे इसलिए लगाया है बिकॉज अगर आप इसको इस पोजिशन पर रखते हो तो बेस के अंदर ये थोड़ा जंप करने लगता है। तो जंप को रोकने के लिए नीचे आप क्या कर दोगे, एक कॉटन का कोई भी रुमाल या हैंकी वगैरह कुछ भी लगा दीजिए, उससे ये जंप होना रुक जाएगा। अब ऐसा बेस क्यों इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे की रीज़न है, ये जो बोट की ब्रांडिंग दी हुई है यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे इसके बेस के रेडिएटर लगे हुए हैं। तो नॉर्मल पोजीशन में जो रेडिएटर हैं वो इसका पीछे की तरफ बैक फायर करते हैं, लेकिन जब आप इस ब्रांडिंग को ऊपर की तरफ कर देते हो तो नीचे की तरफ चले जाते हैं बेस के रेडिएटर। इसकी वजह से जो फायरिंग होती है वो डाउनवर्ड्स होने लगती है और लो फ्रिक्वेंसी हमेशा नीचे की तरफ ही ट्रेवल करती हैं। तो फ्रीक्वेंसी जब नीचे की तरफ ट्रेवल करती हैं तो पहले वो ग्राउंड को हिट करती हैं और फिर आपको रिसीव होती हैं, जिसकी वजह से सिंगल फ्रीक्वेंसी आपको दो बार सुनने को मिलती है। तो जो इस स्पीकर का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हो सकता है वीडियो में आपको इतना फील ना हुआ हो, लेकिन अगर आपके पास में ये स्पीकर ऑलरेडी है तो ये वाली आप ट्रिक लगा के देखना, आपको बेस में ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो ये एक छोटा सा बेस टेस्ट था बोट 650 को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।